वनडे टीम की कप्तानी छीने जाने के बाद विराट कोहली ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने दो बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि साउथ अफ्रीका में जो वनडे सीरीज खेली जानी है वे उसके लिए पूरी तरीके से तैयार और अवेलेबल हैं, और उनके बारे में ये जो खबरें उड़ रही थी कि वो वनडे टीम का हिस्सा नहीं होंगे वो सारी अफवाहें थी। इसके बाद उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि सिलेक्शन कमेटी की तरफ से उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने की सिर्फ जानकारी मिली थी। विराट ने बताया कि टेस्ट टीम के सिलेक्शन के बाद सेलेक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो अब वनडे टीम के कप्तान नहीं होंगे, और इसके बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी से कोई बातचीत नहीं हुई। आपको याद होगा कि BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कुछ समय पहले अपने बयान में ये बताया था कि उन्होंने खुद विराट कोहली को फ़ोन करके T20 टीम की कप्तानी ना छोड़ने की रिक्वेस्ट की थी, मगर विराट कोहली नहीं माने। इस पर भी विराट कोहली ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला उन्होंने सबसे पहले BCCI को ही कम्युनिकेट किया था। विराट ने कहा, जब मैंने T20 कप्तानी के बारे में BCCI से संपर्क किया तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। मुझे T20 कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। सिलेक्शन कमेटी की बैठक से 1.5 घंटे पहले मुझसे संपर्क किया गया था। मुख्य चयनकर्ता ने टेस्ट टीम पर चर्चा की। कॉल खत्म होने से पहले चयनकर्ताओं ने मुझसे कहा कि मैं वनडे कप्तान नहीं रहूंगा, और मैंने कहा ओके फाइन। मुझसे इसके बारे में पहले कोई भी बात नहीं की गई थी। जब विराट कोहली से ये सवाल पूछा गया कि क्या उनके और रोहित शर्मा के बीच सच में कोई विवाद या मतभेद हैं, तो उन्होंने ये साफ किया कि रोहित शर्मा एक शानदार खिलाड़ी और काबिल कप्तान हैं, और वो इस बात को साफ करते करते थक चुके हैं कि उनके और रोहित शर्मा के बीच कोई टकराव नहीं है। टीम इंडिया कल साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए रवाना होगी, जहां सबसे पहले वो 3 टेस्ट मैचेस की एक सीरीज खेलेगी, और उसके बाद 19 जनवरी से 3 वनडे मैचेस की सीरीज भारत को साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है। अब ऐसे में BCCI का भारत के इतने बड़े खिलाड़ी और इतने बड़े कप्तान को सिर्फ एक लाइन कहकर कप्तानी से हटा देना कितना जायज है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।